वेलकम बैक फ्रेंड। तो बिहार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से काफ़ी राहत देने वाली खबर है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच बहुत बड़ी राहत वाली बात है। यहां पर सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या बिहार कंप्यूटेशन क्लासेस में, और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप सारी बातों को अच्छे से समझ सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खास इसी तरह के अपडेट्स आपको समय के साथ मिल सके। आइए आपको बताते हैं इस समय कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राहत वाली बात यह है कि कोरोना को मात देने वालों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संक्रमण मुक्त होने की रफ्तार है, अब वो संक्रमितों की रफ्तार से अच्छी तेज हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में 1 अप्रैल को 158 कोरोना को मात देकर संक्रमण मुक्त हुए थे, जबकि 23 अप्रैल को कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों की संख्या अब 6000 से ज़्यादा हो गई है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 10 अप्रैल को जहां कोरोना के 3469 नए मरीज मिले थे, वहीं 822 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए थे, जबकि 15 अप्रैल को 6133 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी और इसी दिन 755 लोग संक्रमण मुक्त होकर वापस अपने घर लौटे थे। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 16 अप्रैल को 6253 नए संक्रमित पाए गए थे, जबकि 23 अप्रैल को 12672 नए संक्रमित मिले। इस तरह 8 दिनों में संक्रमितों के मिलने की रफ्तार में दुगनी वृद्धि हुई। इसी तरह 16 अप्रैल को 1853 लोगों ने कोरोना से जंग जीती थी, जबकि 23 अप्रैल को स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 6067 पहुँच गई। विभाग के आंकड़ों की माने तो राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, इसी कारण रिकवरी रेट में गिरावट मालूम पड़ती है। लेकिन यहां पर 17 अप्रैल को 7870 नए मरीज मिले थे, जबकि इसी दिन 1804 लोग ने कोरोना की जंग से जीत कर वापस अपने घर पहुँचे थे। इसी तरह 20 अप्रैल को 10455 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी, जबकि उसकी तुलना में 3577 लोग संक्रमण मुक्त होकर अपने घर गए। इस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन कोरोना से संक्रमण मुक्त होने वालों की रफ्तार में भी वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर सभी बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी बिल्कुल पॉजिटिव रहें तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग संक्रमण से जीतेंगे और फिर से बिहार वापस स्वस्थ होकर अपने पटरी पर वापस लौटेगा। मिलते हैं एक और खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।